दाढ़ी बनवा लिए, शेविंग करा लिए और लिट्टी आलू चाप भी खाकर चले हैं घर पे। और बस दोपहर नहीं हुआ है, अभी 10:30 हो रहा होगा, 10:30 बज रहा होगा। तो थोड़ी देर चलते हैं, थोड़ा सा नहाएंगे धोएंगे, थोड़ी देर शेविंग कराए हैं, उसके बाद से फिर निकलेंगे दौड़ सरसों की दौड़ कराने। ठीक है, अंदर बा, अंदर अंदर बा, अंदर बा। हमें लगा कि जल्दी ही हो जाएगा सब दौरी, लेकिन करते 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 1:30 बज गया है और अभी मैं जा रहा हूँ खेत की तरफ। 2 बजे करीब में दौरी सब कहेंगे लोग, बहुत लेट हो गया। अब 2 बजे दौरी होगा, फिर कब तक कंप्लीट होगा, फिर बलिया भी निकलना है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। सर को देखते हैं, गाँव में जल्दी पैदल चलने को नहीं मिल पाता है, जैसे ही निकलो कोई ना कोई जरूर मिल जाता है, कहाँ तक कौन किधर जाना है चल के छोड़ देते हैं ये। चलो, धूप भैया बहुत तेज लग गया, धूप बढ़ने लगा अब तो धीरे धीरे, लेकिन थोड़ा सा धूप है, थोड़ा थोड़ा सा मौसम भी ठंडा ठंडा है आज। ये देखो, इधर गेहूँ थोड़ा सा हरा हरा है, इधर पक्का पक्का सा है, 10-12 दिन में ये भी सब रेडी तैयार हो जाएगा पूरा गेहूँ, ये भी 10-12 दिन में काटने लायक हो जाएगा गेहूँ नौमी तक। भाई सामने जो दिख रहा है वहीं दौरी होगा, नहीं दिख रहा होगा कैमरे में, दूर है तो पहुंच गए हैं खेत की तरफ। धूप लग रही है भैया, लो मशीन जा गया, दौरी होना स्टार्ट हो जाएगा। आम का है हमारा, ज्यादा आम इस पर आया है, देख रहा है बहुत आम आता है, बहुत पड़ता है ये। आगे सब घर पे चलते हैं, 3:30 हो रहा होगा अभी टाइम। हमें लगा कि हम निकल जाएंगे, लेकिन तो दिक्कतें हो गया। जो दिख रहा है जो सरसों ना ये वाला, इसमें के जो ये गर्दा है इसको हटाना पड़ेगा, नहीं तो बेकार हो जाएगा पूरा। चलो देखते हैं, तब सरसों को लेकर आ गए हैं छत पर, छत पर अब इसको फैलाएंगे, इसको धूप दिखाएंगे 1-2 दिन, लग रहा है रुकना पड़ेगा। इसमें जो भूसा है अगर वो नहीं होता ना तो नहीं दिखाना पड़ता, उतना जरूरत नहीं पड़ता, लेकिन भूसा है इस वजह से दिखाना पड़ रहा है छत पे धूप। चलो भाई फैला दिए इसको, बहुत तेज गर्मी, धूप बहुत तेज है तो। आज मुझे लग रहा है कि हम जा नहीं पाएंगे बलिया, आज मुझे लग रहा है कि रुकना पड़ेगा। है ये रुक दल बढ़ने बढ़न पतंग सरसों सुखा के जा, अब कल निकलेंगे बलिया। चलो आज सरसों सुखाते हैं, फंस गए भैया फंस गए, बाकी देखो इधर सब बच्चे खेल रहे हैं। तभी भैया आगे सिलेंडर रखे हैं और जा रहे हैं भरवाने के लिए, उसको लाएंगे तो कुछ भूजेंगे इसी पर। गुड़लक भैया का सिलेंडर है, अब कुछ देखते हैं बनाएंगे, कुछ अंडा उंडा सोच रहे हैं बनाएं, सब कुछ लेकर आ गए हैं, चलते हैं अब अंडा बनाने के लिए। तो अंडा बना भैया रेडी हो गया यहाँ पे, और परमात्मा भैया बैठे हैं, हम परमात्मा भैया आज अंडा खाएंगे, और बिने अभी आने वाले हैं, अभी घर पे हैं वो, वैसे वो हमेशा लेट करके आते ही हैं, आज भी लेट करके आएंगे लग रहा है कि।
मस्त अंडा कड़ी बनाए थे और हम और परमात्मा दया और बीने तीन लोग थे, मजा आ गया खा के। बस अंडा कड़ी और चावल रोटी वोटी थोड़ा सा इधर उधर से आ जाता है, उनके घर से चाहे बीने घर से सब आ जाता है तो बन जाता है। बढ़िया सा खाना पीना हो गया, रात का बज रहा होगा 10:30 हो गया होगा। फिलहाल मैं खत्म करते ब्लॉग में, अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, चैनल पर सब्सक्राइब कीजिए, मिलते हैं जल्दी कल के नए ब्लॉग में।